हम लास्ट जो है वो वेदर ऐप बना रहे थे एक, और उस वेदर ऐप को हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, उसी ऐप के अंदर आज हम एक नया कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूज़ इफेक्ट हुक। अच्छा, तो इस ऐप के अंदर अभी तक क्या कुछ है ज़रा देख लेते हैं। इसकी जो एंट्री फाइल है वो index.js है, जिसके अंदर हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जो था जैसी फाइल उसको वैसी रखा है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक कंपोनेंट रेंडर हुआ है, जो कि ऐप डॉट जे एस की फाइल से आ रहा है। इस फाइल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये ऐप डॉट जे एस का कंपोनेंट है, जिसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, बल्कि इस ऐप के अंदर एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर है, जो कि होम के नाम से, ठीक है। इस फाइल के अंदर क्या काम होगा वो हम फ्यूचर क्लासेस में हमें पता लगेगा कि इस फाइल में करने वाले काम जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये होम करके एक कंपोनेंट है, जो कि रेंडर हुआ है, ठीक है। हमने कंपोनेंट का एक फोल्डर बना लिया था, एक होम का कंपोनेंट है और एक वेदर विजेट का कंपोनेंट है। तो जी, हम होम के कंपोनेंट में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है जी हमारे पास, ज़रा इसको आप देखते हैं ऊपर से नीचे तक। हमने रिएक्ट की जो हुक हैं, यूज़ स्टेट और यूज़ रेफ, इसको ऊपर रिक्वायर किया हुआ है, इम्पोर्ट किया हुआ है रिएक्ट की लाइब्रेरी से। उसके अलावा हमने एक्जियोस की जो लाइब्रेरी है वो ऊपर इम्पोर्ट की हुई है, इंस्टॉल की हुई है, ताकि हम API कॉल्स कर सकें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये होम का कंपोनेंट इटसेल्फ यहाँ पे मौजूद है, जिसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। एक्सपोर्ट इसलिए किया हुआ है ताकि कहीं और पे इम्पोर्ट किया जा सके उसको। अच्छा, ये हो गया जी। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास इस वक्त इस होम के कंपोनेंट के अंदर जो है वो एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड है और उसके साथ रेफ अटैच हुआ है उस इनपुट फील्ड के साथ। और जब मैं इस पे कुछ नाम लिख के, सिटी का नाम लिख के जब बटन दबाता हूँ सबमिट का, तो ये ऑन सबमिट का जो हैंडलर है ये चल रहा होता है। अच्छा, ऑन सबमिट के हैंडलर पे हमने क्या काम किया हुआ है वो देख लेते हैं। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है सबसे पहले, जिससे वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करता है, जैसा कि पेज रिफ्रेश और फॉर्म रीसेट वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, ट्राई कैच के अंदर ये API कॉल की है, और API का रिस्पॉन्स आने की सूरत में हमने क्या किया है, वेदर के डेटा को यहाँ पे स्टोर करवा लिया है एज अ एरे, ठीक है। एज अ एरे मैंने स्टेट के अंदर इसको स्टोर करवा लिया है। अब जबकि मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल मौजूद है, अब इसके अंदर एरे भी एक मौजूद है, तो हमने सबसे आखिर में इसके ऊपर मैप चला के इसको यहाँ पे ना इस तरह से रेंडर करवा दिया, ठीक है। अच्छा, मैप चलता है तो क्या होता है, वेदर डेटा डॉट मैप होता है, ईच वेदर डेटा मुझे मिलता है, और मैं ईच आइट्रेशन के ऊपर वेदर कार्ड के नाम से एक चीज़ यहाँ पे रेंडर करवाता हूँ, जो कि कंपोनेंट है। उसको तमाम का तमाम डेटा मैं एज अ प्रॉप पास करता हूँ, और ये कंपोनेंट जो है वो ये एक कंप्लीट कंपोनेंट है, ये एक कार्ड के जैसा दिखता है रेंडर होने पे, और इसके साथ एक अपनी CSS है इसकी खुद की, और इसके अंदर कुछ लॉजिक्स लगी हुई हैं कि जी कुछ टर्नरी ऑपरेटर वगैरह हमने लगाए थे शायद लास्ट, जिसके ज़रिए हमने किया था कि अच्छा ये पैरामीटर मिले तो ये कर दो, ये पैरामीटर मिले तो ये कर दो, इस तरह करके हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें की हुई थी। तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं। अच्छा, अब हमने जो है वो क्या करना है, आज एक नया हुक हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ा। हमने यूज़ स्टेट पढ़ लिया, हमने यूज़ रेफ पढ़ लिया, ये दोनों हुक हैं। अच्छा, हुक रिएक्ट में किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता पाएगा? हाँ भाई, जिन लोगों को रिएक्ट थोड़ी बहुत पहले से आती है उनसे ब्रेन स्ट्रोमिंग कर रहा हूँ कि जो डेटा पता है। नहीं, हुक कंपोनेंट तो नहीं होता, कंपोनेंट तो वो जो टैग की तरह जिसको मैं लिख रहा हूँ वो कंपोनेंट है ना, ये तो यूज़ करके जो मैं लिख रहा हूँ ये कंपोनेंट नहीं है, ये हुक्स हैं। कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया था क्या होता है, हुक्स क्या होते हैं ये डिस्कस नहीं किया था हमने, हुक इस्तेमाल ज़रूर कर लिया हमने। तो मेथड तो वो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं, अगर जैसे डॉट नेम डॉट वैल्यू करके और फिर डॉट वॉक, तो ये मेथड होगा। डॉट लगा, जैसे एरे के ऊपर डॉट लगा के पुश पॉप करते हैं, तो वो डॉट लगा के जो होता है वो होता है मेथड, इस पर हम डॉट तो नहीं लगा रहे। और मेथड के लिए ज़रूरी है कि वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, हुक जो है वो एक ख़ास तरह की चीज़ को कहते हैं जो मेरी UI से हुकअप हुआ हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि यूज़ स्टेट हमारे पास जो है ये असल में एक हुक है, ठीक है, ये यूज़ स्टेट जो है ये असल में एक हुक है। हुक हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिस जो UI से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। हुक हम किन चीज़ों को कहते हैं जो UI से, वो हुकअप असल में, वो हुक का मतलब जो इंग्लिश में होता है वही इसमें भी मतलब है। हुक का मतलब क्या होता है, जैसे वो गोल सी चीज़ होती है उसमें, जो कसाई की दुकान में गोश्त फंसाया हुआ होता है उसने हुक में, ठीक है, या आप कपड़े टंगाने के लिए वो हैंगर में भी एक हुक सा बना हुआ होता है गोल सा, कि जी आप किसी चीज़ से उसको हुकअप कर देते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल के अंदर अगर हुक से एक थैली लटकाई हुई है, तो आपकी मोटरसाइकिल मूव होगी तो साथ साथ वो थैली भी उसी में लटकी हुई वो भी साथ साथ मूव होगी, है ना। तो हुक का मतलब यही है इसके अंदर भी। तो हुक जो है वो कुछ इस तरह के हमारे पास टूल्स हैं
जिसके ज़रिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसके कंपोनेंट्स के साथ हुकअप कर लेता हूँ, या आप यूँ कह लें कि जो स्क्रीन पे नज़र आने वाली चीज़ है उसके साथ मैं हुकअप कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे जो मेरे पास स्टेट वेरिएबल है उसके बारे में हमने ये देखा था कि स्टेट वेरिएबल जब भी चेंज होता है तो वो मुझे स्क्रीन पे फ़ौरन दिख जाता है। और वो कैसे दिखता है, क्योंकि स्टेट के चेंज होने पे रीरेंडर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट वेरिएबल जो है वो मेरे कंपोनेंट के साथ, मेरे JSX के साथ हुकअप हुआ हुआ है, तो जब स्टेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये रीरेंडर होता है और इस तरह से हो रहा होता है। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो UI के चेंज होने पर, क्योंकि देखो जब थैली मूव होगी तो मोटरसाइकिल मूव होगी, मोटरसाइकिल मूव होगी तो थैली मूव होगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ हुकअप है ना, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपकी मोटरसाइकिल नहीं, चलो छोटी साइकिल है, ठीक है, आप उस पर 1 किलो गोश्त लेके जा रहे हैं, अब रास्ते में अगर बिल्ली आती है आपके पास, ठीक है, तो और वो थैली, मतलब आपने साइकिल खड़ी की, बिल्ली ने थैली को खींचा, तो साथ साथ साइकिल भी खींचेगी ना, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन खींचेगी, तो गोश्त को कोई खींचेगा तो साइकिल भी खींचेगी साथ, और अगर साइकिल चलेगी तो गोश्त की थैली, तो ये दोनों असल में किसी एक चीज़ को भी मूव करेंगे तो दोनों मूव होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि स्टेट के वेरिएबल के चेंज होने से क्या होता है, UI फ़ौरन चेंज हो जाती है, UI उसके साथ हुक हुई भी है। लेकिन हुक ऐसे भी हमारे पास होते हैं जो UI के चेंज होने पे पीछे वेरिएबल चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसा कि रेफ हमने देखो ऐसे करके एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, ये हुक वाला वेरिएबल है। अच्छा, इसको मैंने क्या कर दिया, अपने इनपुट के साथ हुक कर दिया। अब जब मैं इनपुट में कोई बात लिखता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे मिल रहा होता है, मैं जब भी इसको गेट करूँगा मुझे वो मिल रहा होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा वेरिएबल, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा आप कह लें एंटिटी जो जिसके चेंज होने की वजह से UI रीरेंडर हो, या UI के चेंज होने की वजह से वो रेंडर हो, वो दोबारा से चेंज करे अपनी हालत को, तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या रिएक्ट के अंदर हुक कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हुक मोर और लेस एक मोटी मोटी बात पता लग गई कि हुक क्या होता है। अच्छा, अब हम जो आज हुक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूज़ इफेक्ट का हुक। यूज़ इफेक्ट का हुक क्या करता है, ये भी जैसा कि नाम से जाहिर है हुक है, तो ये UI के साथ हुकअप हुआ है। अच्छा, लेकिन इस हुक का जो स्पेशल एक, अच्छा, हर अलग अलग कामों के लिए ना अलग अलग हुक डिवाइस हुए हैं यहाँ पे रिएक्ट के अंदर ना। जैसे हमने वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए यूज़ ऑफ स्टेट का हुक है, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे इनपुट से वैल्यू उठानी है तो यूज़ रेफ का हुक है। मैं इनको आपस में ये नहीं कर सकता कि मैं एक ही हुक सब जगह इस्तेमाल करूँ, तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हुक इन्होंने डिवाइस किया है। इसी तरह हम इंशाल्लाह कॉन्टेक्स्ट API पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके एक हुक है, वो कॉन्टेक्स्ट API बनाने के ही काम आता है, ठीक है। वैसे है वो स्टेट वेरिएबल ही जैसा, लेकिन असल में वो कॉन्टेक्स्ट बनाने के काम आता है। तो हम ये जो देखने जा रहे हैं अभी यूज़, वो है उसका नाम है यूज़ इफेक्ट। अच्छा, यूज़ इफेक्ट का जो हुक है इसको लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, ये हमारे पास यूज़ इफेक्ट आ गया। अच्छा, इसको ऑब्वियसली मुझे ऊपर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और शायद इसने ऑटोमेटिकली कर दिया इम्पोर्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने इम्पोर्ट यहाँ कर दिया। ये VS Code का फीचर था, जो यूज़ रेफ है, यूज़ स्टेट है, साथ में यूज़ इफेक्ट भी आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यूज़ इफेक्ट का हुक मैंने एक लिख दिया। इसके अंदर आप देखें, ये एक दिस इज़ जस्ट अ फंक्शन, क्योंकि इस पर कॉल सिग्नेचर है ना, यहाँ पे ग्रीन कलर का कॉल सिग्नेचर यहाँ पर है और ये ग्रीन कलर का कॉल सिग्नेचर यहाँ पर है। इस फंक्शन के अंदर जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो पहला पैरामीटर जो है इसको क्या देता हूँ, मैं एक फंक्शन देता हूँ, एक कंप्लीट फंक्शन देता हूँ मैं, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर जो है मैं इसको देता हूँ एक एम्प्टी एरे। अच्छा, अब ये क्या करेगा, इस इफेक्ट के फंक्शन के अंदर मैंने कह दिया कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, IM a hook, सही है, या IM an effect, ये मैंने बात लिख दी। तो ये वाली जो बात है ना, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है पूरा, ये कब चलेगा, जैसे ही मेरा कंपोनेंट स्क्रीन पे लोड होगा, ये वाला कॉन्सोल यानी कि ये वाला पूरा फंक्शन, इसमें जो भी मजीद बात लिखी होगी वो चल जाएगा एक दफ़ा, सही है। अच्छा, करके देखते हैं इसको। npm start, अरे यार,
अच्छा जी, कॉन्सोल में अभी भी कुछ एरर दिख रहे हैं मुझे। वेल, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यार ये मेरे पास क्या आ गया, आई एम एन इफेक्ट करके दो दफ़ा कॉन्सोल आ गया। अच्छा, तो हमने क्या देखा जी कि ये वाला जो कोड है ना, जो इफेक्ट के अंदर जो भी बात लिखी हुई है, ये बात क्या होगी, एक दफ़ा चल जाएगी, लेकिन हमारे पास कॉन्सोल जो है वो लॉग दो दफ़ा आ रहा है। सही है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको रिएक्ट थोड़ी बहुत आती है और यूज़ इफेक्ट पहले चलाया हुआ है, क्या उनमें से कोई ये बता पाएगा कि वो दो दफ़ा क्यों आ रहा है? चलो थोड़ी देर में उसको डिस्कस करते हैं, अभी ज़रा पहले इसको तो कंप्लीट कर लें। अच्छा, अब देखो करना क्या है मुझे, ये क्योंकि पेज लोड होते ही चलता है, तो इसलिए मेरी वेदर ऐप में देखो, मेरी वेदर ऐप जब लोड होती है इसमें नो डेटा आ रहा होता है। आमतौर पर वेदर ऐप इस तरह तो नहीं होती ना, लोड होते ही सामने करंट सिटी का डेटा दिखा देता है वो, ठीक है, लोकेशन गेट करता है मेरी, वो लोकेशन मुझसे पूछता है और करंट सिटी का डेटा मुझे वो दिखा देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सबमिट के अंदर भी जो API कॉल करते हैं, अच्छा ये भी हो सकता था कि मैं सबमिट हैंडलर का फंक्शन यहाँ अंदर से कॉल कर दूँ, लेकिन इसमें क्योंकि प्रिवेंट डिफॉल्ट वगैरह भी लगा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, तो इसलिए शायद मैं इसको रीयूज़ करना नहीं चाहूँगा। मैं यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो API कॉल है, ये पूरी की पूरी API कॉल को मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, ये पूरी की पूरी API कॉल मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। सही है, ट्राई के अंदर मैंने API कॉल लगा दी और इसके साथ मैं यहाँ पे कैच एक लगा देता हूँ। सही है, कैच भी चलो इसी का कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, ये अवेट जो है, ये अवेट जो है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, मुझे फंक्शन को एसिंक करना होता है, तो यहाँ पे मैं एसिंक इसको कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एसिंक करूँगा ना, मुझे ये एक वार्निंग जनरेट करेगा, ये बोलेगा कि भाई ये ना सही नहीं है इस तरह करना, ठीक है। डिस्ट्रॉय इज़ नॉट अ फंक्शन, व्हाट इज़ दैट, ठीक है। वेल, यहाँ पे एसिंक लगाना जो है ना वो अलाउड नहीं है, पता नहीं वो एरर में भी कुछ और ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने इसको एसिंक नहीं बनाना है। इस फंक्शन को आपने क्या रखना है, इस फंक्शन को सिंपल फंक्शन रखना है आपने, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको एसिंक बनाते हैं तो उससे डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और उससे डेटा की रेस लग जाती है आपस में, तो इस वजह से ये कहते हैं कि जी इसको आपने एसिंक नहीं बनाना है, बल्कि आप क्या करेंगे, अगर आपने अंदर कोई एसिंक्रोनस काम कराना है तो अंदर आप एक छोटा सा अलग फंक्शन बनाएंगे, सही है, और इस फंक्शन को आप एसिंक रखेंगे और इस फंक्शन के अंदर फिर आप वो काम करके इस फंक्शन को आप नीचे कॉल करवा देंगे, इसी इफेक्ट के अंदर अंदर ही रहते हुए कॉल करवा देंगे, लेकिन ना करवा देंगे। अच्छा, मुझे ज़ाहिर है करंट वेदर वो भी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए बंदे के मुझे करंट जो हैं। अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाके लिखूँगा जावास्क्रिप्ट गेट करंट लोकेशन, सही है। तो ये W3 स्कूल का एक आ गया लिंक, इसमें मुझे ये बता रहा है कि जी कैसे लोकेशन मिलेगी, इसने कहा कि भाई ऐसे करके आपको मिलेगी लोकेशन। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़ इफेक्ट के अंदर पहली लाइन में पहले तो मैं लोकेशन गेट करता हूँ, ठीक है। इफ़ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन अगर है हमारे पास, इसको कॉन्सोल डॉट लॉग में मैं दिखा देता हूँ, सही है, अगर ये मौजूद है तो लोकेशन गेट करो, अदरवाइज कॉन्सोल डॉट लॉग पे मैंने ये बताया कि नॉट सपोर्टेड। आप इसको डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, आप इसको स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर तो कोई बहुत ही क्रिटिकल है कि जी लोकेशन गेट करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसको ज़ाहिर स्क्रीन पे दिखाएंगे, मैंने फिलहाल इसको कॉन्सोल डॉट लॉग में दिखाया। अच्छा, अब ये क्या फंक्शन है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन, इसके अंदर आपको क्या देना होता है, एक अदद फंक्शन देना होता है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका तरीका यही है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इस फंक्शन के अंदर आपको क्या मिल जाती है, इस फंक्शन के अंदर आपको लोकेशन मिल जाती है, ठीक है। और इस लोकेशन को अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग कर दूँ, सही है, लोकेशन को मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग यहाँ पे कर दिया, तो उससे क्या होगा, इस लोकेशन के अंदर जो भी चीज़ मुझे मिलने वाली है या मिल रही है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है। और बकाया का काम फिर मैं इसके दरमियान में यहाँ पे करूँगा,
लोकेशन मिल गई मुझे, तो अब यहाँ पे आगे का काम यहाँ पे करूँगा मैं। अच्छा, वो एरर अभी भी उसमें हो रहा होगा, ये एरर अभी भी इसमें है, नीचे वाला कोड मत, बल्कि इसको मैं उठा के ले ही आता हूँ ना अंदर। ये मैंने ट्राई वाला जो काम है ये मैंने कहाँ पे करना है, ये लोकेशन गेट होने के बाद की बात है ना। सही है, ये मेरा पूरा इफेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस वक्त मैंने इफेक्ट में क्या कर लिया है, लोकेशन गेट कर लिया। ये इफ़ मैंने क्यों लगाया है, अगर नेविगेटर के अंदर जियो लोकेशन का फीचर अगर होगा ही नहीं तो मुझे यहीं पे ये अनडिफाइन मिल जाएगा, क्योंकि हर ब्राउज़र में और हर मशीन के अंदर ये लोकेशन का फीचर ज़रूरी नहीं है कि अवेलेबल है। कोई ब्राउज़र हो सकता है पुराना, तो उसमें ये जियो लोकेशन डॉट आ रहा ही नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ये वाला का सारा कोड रख दिया। अच्छा, यहाँ पे रखने से मुझे एक बेनिफिट ये भी हुआ कि जो अवेट वाला काम था ना, मैं एसिंक अब इस फंक्शन में लगा सकता हूँ। सही है, एसिंक मैं इस फंक्शन में लगा सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो फंक्शन है ना, मुझे छोटा फंक्शन अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट करंट पोजिशन को एक कॉल बैक फंक्शन मुझे पास करना होता है, तो इसलिए मैंने एसिंक इसको यहाँ पे लगा दिया। और नीचे का मेरा मसला ये सारा का सारा क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, तो आप देखें मुझे लोकेशन मिलना शुरू हो गई है। लोकेशन के अंदर मुझे देखें कोऑर्डिनेट्स मिले, लेटिट्यूड मिले और लॉन्गिट्यूड मिले। ठीक है, अच्छा मुझसे ये लोकेशन की ना क्वेरी भी मांगता है। ये देखो, ये है ना मेरे पास लोकेशन का एक्सेस, मैंने इसको पहले से दिया हुआ है लोकल होस्ट 3000 पे। अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा अगर मैं, ठीक है, तो ये मुझसे दोबारा लोकेशन मांगेगा। यार मांग रहा क्यों नहीं है लोकेशन, यार मांग रहा नहीं है लोकेशन, पता नहीं क्या सीन है। मैनेज का बटन दबाता हूँ ज़रा, डोंट आस्क, वेल इसकी मैं परमिशन रिवोक कर देता हूँ यहाँ से ना। ये जो अलाउड टू सी योर लोकेशन है ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको डिलीट कर दूंगा ना, तो फिर क्या होगा, जब अगली दफ़ा मैं लोड करूंगा वेबसाइट, तो मुझसे ये दोबारा से खुद ही से लोकेशन के लिए ऐसा पॉपअप खुलेगा। ये हर यूज़र के पास पहली दफ़ा जब आपकी वेबसाइट खुलेगी तो ये आएगा। वंस उसने एक दफ़ा अलाउ कर दिया तो फिर आपको वो लोकेशन जो है मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये रहा, ये लोकेशन मिल गई। ठीक है, वो ये इसी वजह से वो कॉल बैक फंक्शन लेता है कि बंदा अगर अलाउ करेगा तो वो फंक्शन चलेगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं चलेगा और वो कैच में आके शायद गिरे मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, अब मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए लोकेशन में। अब मैंने एपीआई कॉल जो करनी है ना, उसके अंदर मैं जो सिटी नेम रख के भेजता था, इसकी जगह पे मुझे क्या रख के भेजना है, अब मुझे वो कोऑर्डिनेट्स रख के भेजना है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, लेट लेट ऐसे नहीं बल्कि लोकेशन लोकेशन डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट लैटिट्यूड। सही है, कॉमा, आई एम नॉट श्योर कि अब ऐसे करके ये अलाउ करता है या नहीं करता। लोकेशन डॉट कॉर डॉट लॉन्गिट्यूड, बल्कि सही तो लिखा था उसने लॉन्गिट्यूड। ठीक है, क्वेरी के अंदर मैंने कॉमा सेपरेटेड करके क्या दे दिया, इसको जो है ना लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये एपीआई कॉल जो है वो फेल हो गई है, फेल हो गई है, तो हम एक काम करते हैं, चलते हैं ओपन वेदर एपीआई में और उसको देखते हैं कि वो कोऑर्डिनेट से किस तरह करके बता रहा है। वेदर एपीआई, एपीआई करंट वेदर है ना, करंट वेदर के एपीआई डॉक्स में चला जाता हूँ मैं। अच्छा, लेट और लॉन्ग मुझे ऐसे करके देना होगा, वेदर के आगे लेट इक्वल्स टू लेट और एंड लॉन्ग इक्वल्स टू लॉन्ग, तो इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्यू इक्वल टू करके नहीं देना पड़ेगा। सही है जी, अब होपफुली जो ये एपीआई सही काम करना शुरू हो जाएगी। रिफ़्रेश करता हूँ मैं पेज को, और रिफ़्रेश करते ही मेरे पास यहाँ पे डेटा दिख जाता है। अच्छा, अब डेटा जो मेरा दिख जाता है,
ठीक है, यहाँ पे मैं कोई नई सिटी का नाम लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ कि यार लाहौर और एंटर करता हूँ तो वो लाहौर उसके ऊपर आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम आनी चाहिए कि इसको ना ये डबल डबल दिखाना चाहिए, लेकिन ये डबल डबल पता है क्यों नहीं दिखा रहा है? ये डबल डबल इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने जो ये काम करवाया था ना, ये प्रीवियस वाला इसमें काम नहीं किया। हमने वो प्रीवियस वाला भी देखा था ना, रिटर्न वाला जो है, अगर मैं उस तरह से करूँगा ना तो ये मुझे डबल डबल दिखाएगा। ठीक है, अभी तो मुझे ये सिंगल ही कार्ड लोड करता है। ठीक है, अभी सिंगल कार्ड लोड करता है। अगर मैं इसमें वो लगा दूँ ना, मैं प्रीवियस वाला, और मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे ना प्रीवियस को, ये यही तरीका था ना जो प्रीवियस वाला था हमारा। हाँ, ये नहीं करवाया हमने। अच्छा, अभी देख लेते हैं, रिफ्रेश, ये हो गया। ठीक है, ये डबल डबल हो गया क्योंकि वो चल रहा है दो दफ़ा। इफेक्ट जो है कितनी दफ़ा चल रहा है? दो दफ़ा चल रहा है। सही है। तो भाई ये सीन है। अच्छा, अब ये प्रीवियस वाले का सीन ये था कि प्रीवियस वाले में ना, अगर मिसाल के तौर पे देखो, जो काउंटर में मैंने किया था ना +1, तो मैं +1 तीन दफ़ा एक साथ करता हूँ तो भी वन ही काउंट करता है वो। ये वाला नहीं बताया था मैंने, काउंटर वाली ऐप बनाई थी ना हमने, काउंटर उसमें ये वाला तरीका नहीं किया था हमने। चलो ये भी बता देता हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ। सही है, इसका जो प्रॉपर सिंटेक्स है वो ये है। सही है। जब ये सेट वेदर डेटा करता हूँ ना मैं, तो मैं ऐसे बजाय इसको डेटा देने के, मैं एक फंक्शन देता हूँ पूरा, उसके अंदर प्रीवियस मुझे मिल रहा होता है, प्रीवियस वैल्यू, और प्रीवियस वैल्यू पे बेस्ड होके अगर मैंने कोई नई वैल्यू सेट करानी है ना, तो मैं ऐसे प्रीवियस लेता हूँ और प्रीवियस में पूरा का पूरा मुझे जो भी उसमें एग्जिस्टिंग है ना वो मिलता है। अब इसको अगर मैं यक के बाद दिख रहे, अगर बैक टू बैक 10 दफ़ा 12 दफ़ा भी कॉल करूँ ना, तो वो इसको मिस नहीं करता, उसको कीप ट्रैक रखता है वो, है ना? उसको क्या करता है वो, कीप ट्रैक रखता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ इसको, तो वो क्या करेगा, वो दो दफ़ा चलना शुरू हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि यार मैं इसको इस तरह करूँ ही ना, जैसा पहले था वैसे ही रखूँ, उस सूरत में वो एक ही दफ़ा रहेगा। ठीक है, दूसरा ये कि मैं इस तरह अगर कर देता हूँ इसको जस्ट इन केस, तो फिर मुझे ना अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो दो दफ़ा चलता है ना यूज़ इफेक्ट, ये डेवलपमेंट मोड में जानबूझ के इन्होंने दो दफ़ा चलवाया हुआ है। सही है, डेवलपमेंट मोड में ये जानबूझ के दो दफ़ा इन्होंने चलवाया हुआ है। और ये कहते हैं कि जी अगर ये आपका ना दो दफ़ा चलने की वजह से, डेवलपमेंट मोड में यूज़ इफेक्ट दो दफ़ा चलता है अगर, और उसकी वजह से अगर आपके पास कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है यूआई के ऊपर, कोई चीज़ गड़बड़ करती है, तो इसका मतलब है कि आपकी लॉजिक में कोई मसला है। ये प्रोडक्शन में कभी ना कभी ये मसला दोबारा आएगा। ठीक है, तो क्योंकि यूज़ इफेक्ट समटाइम जो है वो मल्टीपल टाइम्स भी चल सकता है, डिफरेंट वजूहत की बिना पे वो मल्टीपल टाइम भी चल सकता है कभी। ठीक है, किसी दूसरे कंपोनेंट की इंटरफेरेंस होगी, पता नहीं क्या होगा, कौन सी सिचुएशन होगी वो नहीं मुझे पता, लेकिन बकौल उनके वो कभी ना कभी दो दफ़ा भी चल सकता है। तो उस सिचुएशन को ना यहीं पर टैकल करने के लिए इन्होंने डेवलपमेंट मोड में जानबूझ के उसको दो दफ़ा चलवाया हुआ है। ठीक है, ताकि अगर वो दो दफ़ा चलने पर आपका जो यूआई है या आपकी जो भी बिजनेस लॉजिक है, अगर वो दो दफ़ा भी चलने पे परफेक्ट काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपका यूज़ इफेक्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर दो दफ़ा चलने पे आपकी गड़बड़ हो जाती है आपके लॉजिक में, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी लॉजिक को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इस पोजिशन पर जो मैं पहुँच चुका हूँ, इसमें मुझे लॉजिक को अपने चेंज करने की ज़रूरत है। आ जाओ भाई। तो अब जो मैं असल में एरे में पुश कराता हूँ ना, तो दो दफ़ा चलता है तो दो दफ़ा पुश हो जाता है। अब वो अगर किसी और वजह से मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ, इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने छोटा सा एक बटन लगाया हुआ है काउंटर का, अब मैंने काउंटर पे प्लस दबाया, तो यूज़ इफेक्ट ये एक दफ़ा और चल जाएगा ना, जब जब री रेंडर होगा कंपोनेंट, जब जब चलेगा तो ये तीसरा कार्ड आ जाएगा, चौथा कार्ड आ जाएगा। समझ रहे हो बात? बात समझना दोबारा। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जो यूज़ इफेक्ट है, अभी तो ये चलो एक दफ़ा ही चल रहा है या दो दफ़ा चल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके क्लिक के ऊपर मेरा कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होता है, तो वो यूज़ इफेक्ट शायद दोबारा चलेगा, और दोबारा चलने की वजह से वो दोबारा एक कार्ड शो करा देगा। तो इस तरह मैं फिर किस किस जगह पे लॉजिक को हैंडल करूँगा। ठीक है, तो मेरा कोड ऐसा होना चाहिए कि दो दफ़ा या चार दफ़ा जितने दफ़ा भी चले, मेरा कोड गड़बड़ ना करे। अच्छा, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक यहाँ पर नया स्टेट बना लेता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट करंट लोकेशन वेदर। सही है,
और शुरू में मैं इसमें क्या रखवा देता हूँ, नल रखवा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये अलग से एक वेरिएबल बना लिया, अलग से स्टेट बना लिया। अच्छा, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, अब जो सेट वेदर डेटा है ना, इसमें नहीं करवाता मैं, बल्कि क्या करवाता हूँ मैं, सॉरी ये गलत जगह चेंज करने जा रहा था, मैंने तो यूज़ इफेक्ट को चेंज करना है ना। हाँ, यूज़ इफेक्ट के अंदर जो है ना, मैं ये वाला काम जो करवा रहा था वो मैं किस पे करवाऊँगा, सेट करंट लोकेशन वेदर डेटा, और इसके अंदर इसको मैं सेट करा दूँगा। ठीक है, अब चूँकि मैं इस सेट करंट लोकेशन वेदर डेटा को मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले ही नहीं करवाया है ना, स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवाया मैंने, तो नतीजा क्या निकलेगा कि ये मुझे नज़र नहीं आएगा। एपीआई तो कॉल अभी भी हो रही होगी, साइड पे कॉन्सोल पे आ रही होगी, लेकिन मुझे इधर नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे नीचे जाके अब इस वाले को भी कॉन्सोल करवाना पड़ेगा। ठीक है, करंट लोकेशन जो वेदर है ना, उसको भी मैंने कंसोल करवाना होगा। अच्छा, ये फॉर्म है मेरे पास, फॉर्म को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये तो एक मैप चलता है और यहाँ पर नो डेटा दिख जाता है मुझे। अच्छा, यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, अब एक और टर्नरी ऑपरेटर लगा लूँगा मे भी। मैंने कहा कि भाई करंट वेदर डेटा अगर मौजूद है ना, ठीक है, तो क्या करोगे आप, वेदर कार्ड को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, अदरवाइज़ मैंने नल कर दिया। इसको मैं दो लाइनों में अगर ब्रेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यार ये पता नहीं, ये प्रिटियर ने मैंने वो कर दिया। वेल, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर अलग से लगा दिया। मैंने कहा भाई करंट वेदर की अगर डेटा के अंदर नल नहीं हो ना, है ना, नल के अलावा कुछ भी होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेदर कार्ड, अब ये वेदर कार्ड कौन सा है, वही कार्ड है जो मैं पहले बना चुका था। तो ये रीयूजबिलिटी भी हमारी एक दफ़ा और डिस्कस हो गई कि जी यही कार्ड है और रीयूजेबल हो रहा है, और इसको वेदर डेटा करके मैंने ये करंट लोकेशन वाला वेदर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बिल्कुल सही जगह मैंने लगाया है। अच्छा, जब मैं चाहता हूँ कि ये लोकेशन का वेदर आ जाए, और जब बंदा नई सिटी का नाम लिखे और एंटर करे तो वो टॉप पर आ जाए, ये मेरा वाला नीचे चला जाए, करंट सिटी वाला नीचे चला जाए और नई सिटीज़ के नाम टॉप पे आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये मैप यहाँ चल रहा है, ये हमेशा टॉप पे रहेगा, और ये वाला हमेशा क्या रहेगा, सबसे नीचे रहेगा। आ जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो जी ये आ रहा है, और स्टिल मैं कराची लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ ऊपर आता है इसके। ठीक है, ऐसे करता हूँ तो ये ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, अब ये है मेरे करंट सिटी का जो है ना वेदर का डेटा है ये। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एक इशू आता है, लेकिन ये मेरे करंट सिटी का डेटा आ जाता है, लेकिन स्टिल ये नो डेटा लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये किस वजह से आ रहा होता है, क्योंकि ये मैप वाले जो है ना एरे के साथ एसोसिएटेड है, इस वजह से ये आ रहा होता है। तो मुझे शायद इस नो डेटा को ना यहाँ से सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अलग एक लॉजिक शायद मुझे बनानी पड़ेगी। मैंने कहा कि यार नो डेटा के लिए ना मैं अलग से बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार वेदर डेटा डॉट लेंथ अगर ज़ीरो हो, ठीक है, और नहीं ज़ीरो नहीं लगाते मैं, बस इसमें ट्रूथ ही लगाता हूँ। ठीक है, और करंट वेदर लोकेशन, सही है। तो वेदर डेटा की जो है ना लेंथ अगर ज़ीरो के अलावा कुछ और हो, यानी 1, 2, 3, 4 हो, या करंट वेदर लोकेशन में नल के अलावा कोई ट्रूथी वैल्यू हो, तो आपने क्या करना है, तो आपने नो डेटा नहीं दिखाना है, क्योंकि वो तो आ गया ना, आपने दिखाना है नल, अदरवाइज आपने जो है ना ये नो डेटा दिखा देना है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ नॉट भी लगा सकता था, लेकिन मैंने नल को इस तरफ करके उधर कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता कि नॉट करंट वेदर और नॉट वेदर डेटा डॉट लाइन, ऐसे भी कर सकता था मैं, लेकिन मैंने ज़रा यहाँ पे अपोजिट काम कर दिया, एक ही बात है। तो अब ये क्या हो गया, ये नो डेटा बिल्कुल सेपरेट हो गया, ये मैप बिल्कुल सेपरेट हो गया, और ये तीसरा वाला जो करंट लोकेशन है ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। ठीक है, तीनों को मैंने अलग अलग लाइनों में लिख दिया, और तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन मैंने डिवाइस कर दिए। अच्छा, ये जो मैप वाला है ना, इसके लिए मुझे टर्नरी ऑपरेटर भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती ना मैप वाले के लिए, क्योंकि डॉट मैप जो होता है ना, अगर मैंने एम्प्टी एरे शुरू में रखा है उसको, तो मुझे टर्नरी ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं टर्नरी ऑपरेटर को टोटली यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एरे अगर उसकी लेंथ ज़ीरो है, तो उसके ऊपर मैं मैप चलाऊंगा ना, तो मैप चलता ही नहीं है, ज़ीरो टाइम्स वो चलता है, तो वो चलता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये अंदर वाला फंक्शन ये चलेगा ही नहीं, तो इसके लिए मुझे इसमें टर्नरी लगाने की मुझे इन द फर्स्ट प्लेस ज़रूरत नहीं है। लेकिन बट मैं फिर मेक श्योर करूँगा कि ऊपर इसको मैंने एम्प्टी एरे ही रखा है या कुछ और रखा है। ठीक है, इसको मैंने एम्प्टी एरे रखा है। ठीक है, तो मुझे टर्नरी मैंने टोटली यहाँ से रिमूव कर दिया, अभी मुझे टर्नरी की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आगे देखते हैं जी, मेरे पास
अब क्या होता है, शुरू में नो डेटा आता है और ये ऐसे करके हो जाता है। सही है। अच्छा, लेकिन शुरू में नो डेटा नहीं आना चाहिए, शुरू में तो आना चाहिए लोडिंग, और नो डेटा सिर्फ उस सूरत में आना चाहिए जब कोई डेटा वाकई में एपीआई से मुझे ना मिले, तो जब आना चाहिए ना ये वाला। तो ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मुझे नो डेटा में और लोडिंग में डिफरेंशिएट करना है, नो डेटा में और लोडिंग में मुझे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मैं जाहिर है मुझे एक अलग से स्टेट बनानी पड़ेगी और इस चीज़ को कीप ट्रैक करना पड़ेगा कि जब जब एपीआई कॉल हो वो लोडिंग को ट्रू करे और जब एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाए तो लोडिंग को फॉल्स करे। ठीक है, ताकि फिर मैं लोडिंग दिखा सकूँ कि जी इस वक्त एपीआई कॉल इन प्रोग्रेस है, तो उस वक्त मैं लोडिंग उसको डिस्प्ले करवाऊंगा। तो आ जाते हैं जी, हम एक अदद और स्टेट यहाँ पर बना लेते हैं और इसका मैं नाम रख देता हूँ इज़ लोडिंग। ठीक है, और सेट इज़ लोडिंग। ठीक है, शुरू में इसको मैं रख देता हूँ फॉल्स लोडिंग। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स के ऊपर रखेंगे इसको। और जब जब एपीआई कॉल होती है मैं ट्राई के अंदर आके क्या करता हूँ, पहले इस लोडिंग को यहाँ पे ट्रू करवाता हूँ और जब इसका रिस्पॉन्स आ जाता है तो मैं इस लोडिंग को क्या करा देता हूँ, फॉल्स करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अगर एरर भी आ जाता है इवन, तो भी मैं क्या करता हूँ, इस लोडिंग को फॉल्स करा देता हूँ। ठीक है, दूसरी वाली जो ये सबमिट हैंडल है इसकी एपीआई कॉल में भी यही करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इस लोडिंग को ट्रू करता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद जैसे ही रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस लोडिंग को फॉल्स करा देता हूँ और एरर की सूरत में भी इस लोडिंग को मैं फॉल्स करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सही ओके चल रहा है, लेकिन मुझे अब यहाँ पे JSX में भी लॉजिक ये वाली इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी अगर डेटा डॉट लेंथ अगर हो और ये भी अगर हो तो क्या कराओ, नल करा दो, अदरवाइज नो डेटा बोल दो। लेकिन मैं अब क्या करूँगा, अब साथ साथ मैं यहाँ पे एक और भी लगाऊँगा कि जी इज़ लोडिंग अगर ट्रू हो ना तो लोडिंग लिखा हुआ आ रहा हूँ, इज़ लोडिंग अगर ट्रू हो जितने टाइम तक, उतने टाइम तक के लिए लोडिंग लिखा हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, आके देखते हैं अब क्या होता है। ये क्या हुआ, अच्छा ये इस पर वो नहीं लगा, रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब ये होता है लोडिंग और नो डेटा एक साथ लिखा हुआ आ जाता है। अब ये होता है लोडिंग भी लिखा हुआ रहा है, नो डेटा भी लिखा हुआ रहा है, क्योंकि मैंने तो सेपरेट सेपरेट रखा है ना बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, लोडिंग और नो डेटा में से एक वक्त में एक ही दिखाना है, दोनों नहीं दिखाना मैंने। सही है, मैंने एक वक्त में एक ही दिखाना है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, हाँ इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और लगा के मैं इज़ लोडिंग भी लगा दूँगा साथ साथ। ठीक है, कि अगर इज़ लोडिंग भी अगर ट्रू है जितनी देर तक, तो उतनी देर तक नल ही दिखाओ। ठीक है, गुड, ज़बरदस्त, अच्छा जवाब दिया। मेरे जहन में ये बात नहीं थी, मेरे जहन में ज़रा टर्नरी के अंदर नेस्टेड करने वाली बात थी। नेस्टेड भी कर सकता था मैं कि जी इज़ लोडिंग जब तक ट्रू है तो यहाँ पे लोडिंग दिखाओ, और यहाँ पे नल की जगह पे वो दूसरा वाला पूरा कंडीशन भी मैं लगा सकता था। बट ये भी बिल्कुल जो है सही चीज़ है कि अगर जब तक इज़ लोडिंग हो ना, जब तक ये नो डेटा तो एटलीस्ट ना दिखाए। ठीक है, इज़ लोडिंग जब फॉल्स हो जाए तो फिर भले नो डेटा दिखा दे। तो अब मेरे पास क्या होगा, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे इज़ लोडिंग पहले आएगा, उसके बाद नो डेटा आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। सही है, ऐसा क्यों हो रहा है यार, नो डेटा की एक झलक मुझे क्यों दिख रही है। नहीं, ये तो लॉजिक मेरी बिल्कुल सही है कि वेदर डेटा की लेंथ हो या करंट वेदर आ चुका हो या लोडिंग हो रहा हो, इन तीनों सूरतों में मैंने नो डेटा नहीं दिखाना। लेकिन वो एक बीच में ना ग्लिच मार रहा है, थोड़ा सा बीच में वो एक ग्लिच मार रहा है थोड़ा सा। इज लोडिंग, सही है, लोडिंग है यहाँ पे, सब कुछ ओके है। मतलब ये वाली जो लॉजिक है ना, ये पूरी लॉजिक, ये तीनों की तीनों, एक टाइम ऐसा आता है कि तीनों की तीनों उसमें फॉल्स होती है, जब भी वो थोड़ी देर के लिए एक झलक मुझे नो डेटा की दिखा रहा होता है। एक मिनट ज़रा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नेटवर्क को ना ज़रा स्लो डाउन करता हूँ, स्लो 3G करता हूँ ज़रा, और फिर इसको मैं क्या करता हूँ, चला के देखता हूँ कि क्या रिपोर्ट है इसकी। सही है, हो गया, लोडिंग कंप्लीट हो गई।
अरे वो नो डेटा कब आया था वो तो पता ही नहीं लगा हमें। दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको। अच्छा पहले नो डेटा आता है फिर लोडिंग आता है। पहले नो डेटा आता है ना फिर इज लोडिंग आता है। तो इसका मतलब है इज लोडिंग जो है वो शुरू में फॉल्स रखा है मैंने, शुरू में फॉल्स रखा है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये यूज़ इफेक्ट ना थोड़ी देर से स्टार्ट होता है कम, हाँ रेंडर होने के बाद ये स्टार्ट होता है। तो जब ये स्टार्ट होता है जब ये ट्रू होता है इज लोडिंग, जब ये स्टार्ट होता है ना जब ये इज लोडिंग ट्रू होता है तो शुरू में इसलिए वो नो डेटा दिखा रहा होता है। अच्छा इसका क्या हल निकाल सकते हैं? एक है ये हल ये है कि इसको मैं बाई डिफॉल्ट ट्रू ही रख दूँ। हाँ एसिंग का वेट मतलब इसका क्या हल हो सकता है? बाई डिफॉल्ट ट्रू रखना शायद इसका मसले का हल नहीं है। बाई डिफॉल्ट ट्रू रखने से ये होगा कि अगर ये इफेक्ट चला ही ना, अगर ये बाद में मैंने इफेक्ट रिमूव कर दिया तो वो तो ट्रू ही रहेगा, पर वो तो कभी फॉल्स ही नहीं होगा, है ना। तो इसको बाई डिफॉल्ट तो मैं फॉल्स ही रखूँगा, बाई डिफॉल्ट तो इसको मैं फॉल्स ही रखूँगा। लेकिन अब मैं इफेक्ट के अंदर देख लेता हूँ कि मेरे इफेक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से वो थोड़ी देर में चलता है। ओके गॉट इट। मेरे इफेक्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ है, वो पता है क्या चीज़ है? वो ये लोकेशन है। ये करंट पोजीशन के अंदर जो मैंने फंक्शन दिया हुआ है ना, ये करंट पोजीशन तो फौरन हिट हो जाता है, लेकिन ये अंदर वाला फंक्शन ये कुछ मिली सेकंड के बाद हिट होता है, क्योंकि ये हार्डवेयर के सेंसर पे रिक्वेस्ट मारता है, वहाँ से लोकेशन मांगता है। तो अगर मैं इस लोडिंग को उठा के यहाँ से कट करके ना अगर सबसे टॉप पर लगा दूँ तो मेरा ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि समझ गया ना बात, ये अंदर वाला जो फंक्शन है ना इसके अंदर लगा हुआ था ना ट्रू, ये फंक्शन थोड़ी देर में चलता है कुछ मिली सेकंड्स के बाद, तो इसी वजह से वो शुरू में मुझे नो डेटा दिखाता है। अब ये मुझे ना डायरेक्ट लोडिंग दिखाएगा। इसका मैं ये अभी स्लो 3G वगैरह हटा देता हूँ। सही है, ये मसला आइडेंटिफाई हो गया। अरे यार अभी भी ये दिखा रहा है लेकिन अब इतना फील नहीं हो रहा, पहले कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा था, ठीक है, पहले कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा था, अब इतना शायद फील नहीं हो रहा वो। लेकिन स्टिल बात वही है कि वो इफेक्ट सबसे लास्ट में चलता है, रेंडर पहले हो जाता है ये। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर लंदन और एंटर करता हूँ तो अब मेरा लोडिंग ये सही चल रहा है, ठीक है। जितनी देर तक API कॉल होती है उतनी देर तक वो लोडिंग आ रहा होता है और ये सारे कार्ड्स मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने ये यूज़ इफेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि जी यूज़ इफेक्ट ये क्या चीज़ होती है। अच्छा अब एक चीज़ और समझ लो इसकी कि ये यूज़ इफेक्ट के अंदर ये जो एम्प्टी एरे दिया हुआ मैंने ये क्या चीज़ है। एप्स को अभी हम एग्जांपल करके नहीं देख रहे लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ कि ये जो यूज़ इफेक्ट है ना, मैंने कहा कि यार ये एक दफ़ा चलता है कंपोनेंट के लोड होने पर, लेकिन इसको मैं दोबारा भी चलवा सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा कि ये API मैंने दोबारा कॉल करनी होगी जो मैंने पेज लोड होते ही किया है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ इस एम्प्टी एरे के अंदर ना एक स्टेट का नाम पास करता हूँ, सही है। ये इसको कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे के अंदर मैं क्या पास कर सकता हूँ? ऐसे डेटा करके मेरे पास एक स्टेट थी वो मैंने यहाँ पर बता दी। अब डेटा जो स्टेट है ये स्टेट जब भी चेंज होगी तो ये पूरा का पूरा यूज़ इफेक्ट इतना पार्ट ये दोबारा चलेगा खुद से, सही है। लेकिन इसकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं क्या कर देता हूँ अभी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा मैं कॉमा कॉमा डाल के, जैसे डेटा कॉमा डाल के मैं दो तीन स्टेट और भी दे सकता हूँ, तो दो तीन स्टेट अगर मैं दूंगा तो इसमें से मतलब कोई एक भी चेंज हो गया ना तो ये क्या करेगा इस इफेक्ट को ये दोबारा चला देगा। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? अब होपफुली हमें अभी हम जब चैट ऐप वगैरह बनाएंगे इसमें और क्रॉड ऑपरेशन इसमें करेंगे तो होपफुली हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त। अच्छा दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है रिटर्न के अंदर, इसमें एक फंक्शन मैं लगाता हूँ एक और, ठीक है। रिटर्न के अंदर मैं क्या लगाता हूँ? एक फंक्शन लगाता हूँ इसमें। अच्छा इस फंक्शन को हम कहते हैं क्लीन अप फंक्शन है। ये क्या चीज़ है? ये क्लीन अप फंक्शन है। ये कब चलता है? जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जब मेरा कंपोनेंट रेंडर होता है पहली दफ़ा, जब मेरा कंपोनेंट लोड होता है पहली दफ़ा, तो ये यूज़ इफेक्ट चल जाता है। अच्छा यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने कहा भाई सेट लोडिंग ट्रू और API कॉल की और सब कुछ किया और सेट स्टेट करा दिया और ये चल के पूरा हो गया, सही है। अच्छा ये रिटर्न वाला जो फंक्शन है ना ये अभी नहीं चलेगा। ये कब चलेगा? जब मैं इस पेज को छोड़ के किसी दूसरे पेज पे जाऊंगा अगर,
है ना, मिसाल के तौर पे ये जो मेरा वेदर वाला पेज था इसको छोड़ के मैं अबाउट के पेज पे चला गया, तो जाहिर है ये कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कंपोनेंट लोड हुआ था वो अनलोड हो जाएगा, तो अनलोड होते वक्त ये रिटर्न चलेगा, ठीक है, लोड होने पे यूज़ इफेक्ट चलेगा और अनलोड होने पे उसी के अंदर रिटर्न के अंदर क्लीनअप फंक्शन दिया हुआ वो चलेगा। अच्छा, अनलोड होने पे इसके अंदर हम क्लीनअप की कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, अब वो क्लीनअप की चीज़ें क्या हैं, वो क्लीनअप की चीज़ें ये हैं वो कि अगर इस इफेक्ट के अंदर मैंने कोई ऐसा काम किया है, किसी इवेंट के ऊपर रजिस्टर किया है मैंने अगर, ठीक है, तो उसको मैं अनरजिस्टर करता हूँ। मिसाल दे के समझाता हूँ, मैंने मिसाल के तौर पर इस इफेक्ट के अंदर एक सॉकेट पर रजिस्टर किया, जैसे चैट ऐप के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली मुझे सॉकेट पे रजिस्टर करूँगा मैं। सॉकेट पे रजिस्टर करने से क्या होता है, वो एक एक्चुअली इवेंट होता है और उस इवेंट के थ्रू मेरे पास नए मैसेजेस मुझे मिल रहे होते हैं, ठीक है, या मैं जैसे माउस का इवेंट होता है सेम उसी तरह, जैसे बटन के क्लिक पे मैं इवेंट लगाता हूँ कि जी जब भी इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक हो तो मुझे वो मिले पूरा ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। तो इस तरह की किसी भी इवेंट पे मैंने रजिस्टर अगर किया हुआ है तो अब वो कंपोनेंट खुला हुआ है, वो वंस रजिस्टर हो गया वो तो रजिस्टर रहेगा जब तक मैं उसको अनरजिस्टर नहीं कर देता, ठीक है। सॉकेट को जब तक मैं कनेक्शन को क्लोज नहीं कर देता वो सॉकेट का कनेक्शन खुला रहेगा, ठीक है। तो नंबर एक नुकसान क्या होगा अगर मैंने उसको क्लोज़ नहीं किया, नंबर एक नुकसान ये होगा कि मैंने पेज खोला, सॉकेट पे रजिस्टर हुआ, अब वो क्या होगा जब भी उस सॉकेट पे नए मैसेज आएंगे मुझे वो, अगर मैंने कंसोल करवाया हुआ तो मुझे कंसोल पे दिखेगा वो, ठीक है, और जो भी मैंने लॉजिक लगाई होगी उसके थ्रू वो मुझे स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। अब मैं इस पेज को छोड़ के किसी दूसरे पेज पे चला गया, किसी दूसरे पेज पे जाने की सूरत में क्या होगा कि वो अनरजिस्टर नहीं होगा, बावजूद उसके कि मैं मैसेज के पेज को छोड़ के मैं दूसरे पेज पे जा चुका हूँ लेकिन वो बैकग्राउंड में अभी भी रजिस्टर है। मैं नेटवर्क खोलूँगा, नेटवर्क में वो नए मैसेजेस अभी भी ले रहा होगा, कंसोल खोलूँगा, कंसोल पे जब जब नया मैसेज आएगा वो कंसोल मुझे अभी भी आ रहा होगा जो मैंने किया था, ठीक है। तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न के अंदर जो सॉकेट डॉट कनेक्ट मैंने किया था ना इस इफेक्ट के अंदर, तो सॉकेट डॉट क्लोज इसके अंदर करूँगा मैं रिटर्न के अंदर, सही है, ताकि उससे क्या हो कि जब भी मैं इस पेज को छोड़ के जाऊँ तो वो सॉकेट डिस्कनेक्ट हो जाए। क्यों, सॉकेट एक हैवी चीज़ है सर्वर के लिए भी और मेरे क्लाइंट के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है, रिसोर्स एक्सपेंसिव है। तो अगर मेरा 200 यूज़र आते हैं और 200 यूज़र में से वो एक दफ़ा भी मैसेज पे आ गया ना तो बस वो मैसेज पे रजिस्टर हो गया, अब वो अनरजिस्टर नहीं होगा, तो ये मेरे लिए बड़ा मसला हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैसेज पे आएगा इफेक्ट चलेगा तो सॉकेट डॉट कनेक्ट, जैसे ही उससे मूव करेगा उस कंपोनेंट से तो रिटर्न के अंदर सॉकेट डॉट क्लोज या सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट जो भी होता है तो वो करूँगा मैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहेगा। तो नंबर एक चीज़ तो ये हो गई, नंबर दो चीज़ इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर मैंने ये क्लीनअप का फंक्शन नहीं लगाया और मैं मैसेज के पेज पे मैं खड़ा हुआ आके, पहली दफ़ा लोड हुआ, सॉकेट डॉट कनेक्ट हो गया, ठीक हो गया जी, समहाउ मैंने उस पेज को रिफ्रेश किया या वो कंपोनेंट किसी वजह से भी रीरेंडर हुआ, क्योंकि मैसेज का स्क्रीन है, जब भी नया मैसेज आएगा तो वो कंपोनेंट पूरा रीरेंडर तो होगा ना, ठीक है, या मैं किसी दूसरे राउटिंग पे किसी दूसरे कंपोनेंट पे जाके वापस आया, तो जब मैं दूसरे कंपोनेंट पे जाऊंगा तो उसका इफेक्ट चलेगा, मैं वापस आऊंगा तो इसका इफेक्ट दोबारा चलेगा, तो वो मेरे पास जो सॉकेट डॉट कनेक्ट था ना वो भी दोबारा चल जाएगा, तो अब मेरे पास क्या हो जाएंगे, सॉकेट के दो कनेक्शन बैकग्राउंड में रजिस्टर हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह जितनी दफ़ा भी वो रीरेंडर होगा ना उतनी दफ़ा वो सॉकेट डॉट कनेक्ट होता रहेगा, और थोड़ी ही देर में क्या होगा 200-300 सॉकेट के कनेक्शन बन चुके होंगे। अब जब एक नया मैसेज आएगा ना तो कंसोल पे मैंने तो एक लगाया कंसोल, लेकिन कंसोल आएंगे 200 हर एक मैसेज पे, क्योंकि वो 200 कनेक्शन इनिशियलाइज होकर खड़ा हो गया पीछे। तो इसके लिए भी अगर मैं रिटर्न के ऊपर क्या करता हूँ, क्लीनअप के अंदर उसको अगर क्लोज मारता हूँ मैं, तो क्या होगा, अगर मैं एक मैसेज की स्क्रीन पर खड़ा हूँ, सॉकेट कनेक्ट हुआ, लेकिन जब उसको मैं रिफ्रेश मारूंगा तो ये रिटर्न पहले चलेगा, उसके बाद वो रिफ्रेश होगा, ठीक है, तो वो जब दोबारा रिरेंडर होगा तो वो कनेक्ट होगा लेकिन पुराना वाला डिस्कनेक्ट हो चुका होगा, ठीक है, या मैं किसी दूसरे कंपोनेंट पे जाके अगर वापस आऊँगा तो जाते हुए डिस्कनेक्ट करके गया हूँ मैं, वापस आऊँगा तो वो दोबारा कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन 2-3 नहीं होगा, है ना, एक ही रहेगा, वो 2 या 3 या 4 नहीं होगा। तो इसलिए क्लीनअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस केस में मुझे, मेरे इस स्पेसिफिक केस में मुझे क्लीनअप की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो लॉन्ग लिविंग है ना, एक होता है लॉन्ग लिव्ड और होता है शॉर्ट लिव्ड, जो हमारे पास HTTP की कॉल लगाते हैं वो लॉन्ग लिव नहीं होता, लॉन्ग लिव्ड ये होता है कि आप छोड़ दोगे तो वो चलता रहेगा, कनेक्ट होके बैठा रहेगा, जैसे स्ट्रीमिंग होती है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, या कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करते हैं वो लॉन्ग लिव होता है, ठीक है, तो या कोई ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं जो ज़रा ज़्यादा टाइम लगाती है, तो उसमें भी एक्सियोस के अंदर भी ये ऑप्शन होता है, बाय द वे, जैसे अभी मैंने इफेक्ट के अंदर ये एक्सियोस की कॉल मारी है ना, एक्सियोस की कॉल मैंने मारी है, अगर ये एक्सियोस की कॉल का रिस्पॉन्स वापस नहीं आया
ठीक है, अगर एग्जियोस की कॉल का रिस्पॉन्स, क्योंकि एग्जियोस से जब मैं कोई मैं रिक्वेस्ट लगाता हूँ तो उसका 300 सेकंड्स उसका टाइम आउट होता है, ठीक है, 300 सेकंड्स कि जब वो इंटरनेट के ऊपर उस रिक्वेस्ट को भेजेगा और उसके रिस्पॉन्स के आने का इंतज़ार वो 300 सेकंड तक करेगा। वैसे तो सर्वर फ़ौरन जवाब दे देते हैं 404 या 500 या 401 या 2 जो भी एक्सपायर्ड होता है, सर्वर तो फ़ौरन रिस्पॉन्स दे देता है। लेकिन अगर सर्वर रिस्पॉन्स नहीं देता है किसी वजह से तो उसका वो इंतज़ार कब तक करेगा, 300 मिली सेकेंड तक करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक पेज है, वो पेज लोड होते ही पता नहीं 10-12 API कॉल लगती है और वो डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट कनेक्शन, डिपेंडिंग ऑन सर्वर सामने से, वो अलग अलग टाइम से रिप्लाई दे रही होती है, कुछ फ़ौरन रिप्लाई आ जाती है, कुछ घूम ही रही होती है, 4-5 सेकंड भी लग जाते हैं किसी को। इतने में मैं मतलब मैंने गलती से वो पेज खोला था और मैं फ़ौरन दूसरे पेज पे मूव कर गया, वो API कॉल तो लग चुकी है और वो इंटरनेट पे चढ़ चुकी है और उसका जवाब वापस आएगा, सही है। तो ये भी अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसको भी मैंने क्या करना होता है, क्लीनअप करना होता है। और एग्जियोस के अंदर क्या होता है, जो चलती हुई API कॉल है उसको कैंसिल करने का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाली जो API कॉल मैंने लगाई है ना, इसको क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इस कंपोनेंट से मूव करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जितनी भी ऐसी API कॉल्स हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं आया उनको आप छोड़ दो, उनका चक्कर छोड़ दो, ख़त्म कर दो उनका चक्कर। आ जाओ एग्जियोस में देख लेते हैं, यार मेरा गर्म हो रहा है लैपटॉप, पता नहीं क्या चक्कर है। AC सही चल रहा है, ठंडक हो रही है उधर, ये वाला नहीं चल रहा ना, इसको भी चला दो, जाओ पीछे उठो, कौन बैठा हुआ है। हाँ भाई चल रही है, इसको ड्राई मोड पे लगाओ, ड्राई पे लगाया और कम कर दिया सोलर, सही है। ये ना 53 सेंटीग्रेड हुआ है, ये इतना ज़्यादा नहीं होता आमतौर पे ना, आमतौर पे ये होता है 35-36 ये होता है, ये 53 सेंटीग्रेड पे पहुँच गया इस वक्त। ये मेरा हाथ रख रहा हूँ ना, बकायदा मुझे फील हो रहा है कि गर्म हो गया ये। अच्छा जी, तो मैं एग्जियोस में गया और कैंसिलेशन करके इनका ये डॉक्यूमेंट आ गया। तो यहाँ पे ना देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आप क्या करोगे, ऐसे कंट्रोलर बनाओगे और न्यू एबॉर्ट कंट्रोलर उसका नाम रखोगे आप, ठीक है। और जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे ना तो इसमें सिग्नल के अंदर कंट्रोलर का सिग्नल आप पास करोगे, ठीक है। मतलब ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसका कंट्रोल मैं अपने हाथ में रख रहा हूँ इधर, और इस कंट्रोल को मैं अबॉर्ट मारूंगा तो ये अबॉर्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा, ऑटोमेटिकली ये बॉर्ड भी है, जैसे 300 सेकंड्स है ना, 300 मिली सेकंड है, पता नहीं सेकंड है, बहरहाल तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। टाइम आउट बोलूँ, मैं बोलूँ 5000 तो इसका मतलब है 5 सेकंड में टाइम आउट है इसका, तो ये ऑटोमेटिक बॉर्ड भी है। और क्या है भाई, अच्छा एक कैंसिल टोकन भी है, एक कैंसिल टोकन वाला भी तरीका है कि एक कैंसिलेशन टोकन मैं जनरेट करता हूँ और हर दफ़ा API कॉल पे वो कैंसिलेशन टोकन दे के भेजता हूँ मैं, ठीक है। और कभी भी मुझे अगर कैंसिल मारनी होती है ना रिक्वेस्ट, तो मैं सोर्स के ऊपर डॉट कैंसिल कॉल कर देता हूँ, ये भी ठीक है। यार ये दो इन्होंने तरीके बताए, इनमें क्या डिफरेंस है यार। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड यू कैन यूज़ बोथ कैंसिलेशन APIs। अच्छा, कैंसिलेशन API ना पहले जो मैंने यूज़ किया है लास्ट, वो कैंसिलेशन टोकन वाला यूज़ किया है, अब ये सिग्नल वाला इन्होंने कोई नया माल तैयार किया है। कह रहा है एक वक्त में दोनों भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक भी करोगे तो सेट हो जाएगा। मेरे ख्याल ये कंट्रोलर वाला जो तरीका है ना, ये ज़्यादा बेहतर है, ये जो नया वाला इन्होंने तरीका निकाला है ना, है हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंट्रोलर तैयार कर लेता हूँ, मैं आता हूँ इधर और मैं इस इफेक्ट के अंदर ही अपने
मैं बोलता हूँ भाई कंट्रोलर इक्वल टू न्यू एबॉर्ट कंट्रोलर। अब एबॉर्ट कंट्रोलर को इंपोर्ट कहाँ से किया इन्होंने? एबॉर्ट कंट्रोलर इंपोर्ट कैसे होगा? ओ एबॉर्ट कंट्रोलर इंपोर्ट नहीं होगा, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसको इंपोर्ट विम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कहीं से, बस ऐसे डायरेक्ट करके मैं न्यू एबॉर्ट कंट्रोलर करूँगा और ये हो जाएगा। अच्छा, अच्छी बात ये कि एबॉर्ट कंट्रोलर एक फैच के अंदर भी चल रहा है, ये फैच के अंदर भी चलता है। ठीक है, तो मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर जब मैं गेट की रिक्वेस्ट मारूंगा तो मैं इसके अंदर ऑप्शन में ऐसे सिग्नल करके दूंगा इसको, तो आ जाओ ये भी दे देते हैं इसको। ठीक है, गेट ये हो गया और कॉमा करके ये मैंने पूरा इसको पास कर दिया, सही है। सिग्नल कंट्रोलर डॉट सिग्नल, ये मैंने ऊपर जो कंट्रोलर बनाया था इसका सिग्नल यहाँ पे पास कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, कैंसिल कराने के लिए मैं कंट्रोलर डॉट एबॉर्ट करके ऐसे कैंसिल करा दूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन के अंदर आगे लिखूँगा कंट्रोलर डॉट एबॉर्ट। अब देखो दोबारा से समझ लो क्या हो रहा है, ये मैंने एक एबॉर्ट कंट्रोलर बना लिया। ठीक है, अब मैं कोई भी API कॉल कर रहा हूँ ना, यानी पूरे इफेक्ट के अंदर किसी भी जगह पे कहीं पे भी मैं कोई API कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं इसका सिग्नल पास करूँगा। मिसाल के तौर पर मैंने 200 API कॉल की एक ही झटके में, सबके अंदर मैं यही सिग्नल पास कर दूँगा। मैं बोलूँगा भाई ये सिग्नल है, और अगर सम हाउ मैं पेज से मूव करने वाला हूँ तो मैं फ़ौरन उस पर एबॉर्ट कॉल करके आगे बढ़ जाऊँगा, तो वो जितनी भी पेंडिंग में होगी सारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कैंसिल इस सेंस में हो जाएगी कि वो यहाँ मेरी मशीन से तो निकल चुकी है, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गई, और जो काम होना था वो काम भी होगा उसका। लेकिन जब वो वापस आएगी ना, तो इधर दरवाज़ा मतलब मेरा जो कंप्यूटर है ना, वो बैंडविड्थ को कैप्चर करके नहीं बैठा हुआ होगा उसकी वापस आने के लिए, वो उसको क्लोज कर चुका होगा। तो वो जब वापस आएगी ना, तो वापस आके मेरे दरवाजे से यूँ टकरा के और टक नीचे गिर जाएगी, एबॉर्ट हो जाएगी वो। ठीक है, वो दरवाज़ा उसके लिए बंद हो चुका होगा उस रिक्वेस्ट के लिए। ओके, अच्छा करके देखते हैं इसको। अच्छा, अभी हमारे पास कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है ना, तो शायद ये उस तरह से टेस्ट नहीं हो पाएगा। मैं इसको स्लो 3G पे करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, क्लीन अप। ठीक है, और इसको मैं स्लो 3G पे करके इसको मैंने रिफ़्रेश किया। अब रिफ़्रेश करते ही क्या होगा, ये मेरा इफेक्ट यहाँ चलेगा ना, तो मैं अपना पेज रिफ़्रेश मार दूँगा। ठीक है, मेरा इफेक्ट चला। अच्छा, वो इतना फ़ौरन आ जा रहा है कि जो है ना वो नहीं हो रहा, वो इतना फ़ौरन रिस्पॉन्स आ जा रहा है। वेल, तो मैं जितनी भी API कॉल कर रहा हूँ अपने पूरी पेज के ऊपर, उन तमाम API कॉल्स के अंदर मैं क्या पास करूँगा, ये सिग्नल पास कर दूँगा ऐसे। ठीक है, इसके अंदर भी मैं ये सिग्नल पास कर देता हूँ, और इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है रियल लाइफ में भी। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ रही होती है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा एक ऐप बनाई थी, तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा APIs कॉल थी, API कॉल उसमें बहुत ज़्यादा होती थी। यानी एक पेज खुलता था ना, तो उसके अंदर ऐसे जो ट्री स्ट्रक्चर में ना डेटा लोड होता था, और फिर हर वो रिकर्सिवली कॉल होती थी कि जी वो पहले ट्री का लेवल लोड होता था, फिर उस ट्री के अंदर जो टोकन्स होते थे या जो नाम होते थे उससे और लोड होता था, फिर उससे और लोड होता था। वो ज़रा थोड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की ऐप थी वो। ठीक है, तो उसमें यक के बाद दीगरे इस तरह API कॉल होती थी। अच्छा, फिर वो उसमें 8-10 पेजेस थे और सब में यही होता था, उस पूरी ट्री के अंदर में किसी एक पे क्लिक मारता था ना, तो वो अलग पेज पे खुलता था, और उसमें वो उसी तरह की ट्री एक और बनती थी। तो होता क्या था कि जब मैं एक पेज लोड करता था, अब उसकी APIs अभी लोड हो रही है, कॉल हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब वो क्योंकि ट्री में वो ब्राउजिंग ट्री था, तो एक पे ट्री पे क्लिक मारा तो वो अब वो पेज हट गया और एक दूसरा पेज खुल गया, लेकिन वो जो API कॉल लग चुकी थी वो ख़त्म नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता था, मेरा स्लो इंटरनेट के ऊपर ना वो सही परफॉर्म नहीं करता था, है ना, मोबाइल डिवाइस के ऊपर या किसी पे अगर स्लो इंटरनेट है। हाँ, हालांकि वो ट्री था, कुछ भी नहीं था, जेसन डेटा था वो, लेकिन क्योंकि वो इतनी सारी रिक्वेस्ट जा रही है और वापस आ रही है ना, तो उसके अंदर जो टाइम लग रहा होता था, और क्योंकि बैंडविड्थ कम होती थी, तो उसके अंदर वो स्लो परफॉर्म कर रहा होता था। तो जब उसको कैंसिल करवाया तो वो बिल्कुल सेट हो गया, बेहतरीन हो गया। तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। वेल, अभी यहाँ पे इसकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई और एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रही थी, मैंने इसलिए ये वाला यूज़ कर लिया। ठीक है, सॉकेट वगैरह अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उस तक पहुँचेंगे, तो फिर हम देखेंगे उसको। अच्छा, इसको हम यहीं तक रखते हैं।